हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, रिसेंटली अभी मैंने मीशो से काफी टॉप मंगवाए हैं, वो भी मतलब अंडर 150 रुपीज। मतलब आप ये देखिए, 150 रुपीज के अंदर आपको इतने अफोर्डेबल टॉप्स मिल जाएंगे और सभी टॉप्स काफी स्टाइलिश हैं। और ये मतलब मैंने 10 टॉप्स मंगवाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज में भी अगर आप टॉप मंगवाती हैं तो आपके 6 to 7 टॉप इजिली आ जाएंगे और एक से एक डिजाइनदार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट मैंने एक ही टॉप लिया है जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ इस टाइप की स्लीव है और इसकी जो प्राइस है, मतलब ये देखिए कि सब 150 के अंदर अंदर ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिए। इसमें काफी कलर थे बट मुझे यही कलर बहुत अच्छा लग रहा था और इसका जो डिजाइन पैटर्न जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और ये कलर जो होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, तो इसी टाइप के कलर बहुत ही कूल लगते हैं। तो गाइस, ये वो क्रॉप टॉप है जो अभी बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। मोस्टली आपने कई सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, एटलीस्ट कई यूट्यूबर्स को भी देखा होगा। सो इस टाइप के फ्लोरल टाइप है, बहुत ही प्यारा है ये टॉप। और ये सिर्फ गले में इस टाइप से आ जाता है, बैक में ये ऐसा इलास्टिक लगा हुआ है, भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी प्राइस आई थिंक थोड़ी ज्यादा होगी, 250 के आसपास का ये एक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए इस टॉप को मैंने ऑर्डर किया। मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी प्राइस देखी है जहाँ की 589 रुपीज के आसपास है, अदर वेबसाइट पर भी मैंने देखी है 15, काफी मतलब ज्यादा है, तो ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गया था तो मैंने ले लिया। एंड गाइज, एक ही नेक्स्ट ये लिया है, क्रॉप टॉप है और इसे मैंने मोस्टली साड़ी वगैरह के ऊपर पहनने के लिए है। इंडिगो साड़ी के ऊपर ही मैंने इसे लिया है क्योंकि मुझे काफी मतलब अच्छा लगा और इंडिगो साड़ी या कॉटन की साड़ियों के ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने इसे लिया है। सो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा है और इसके प्राइस भी काफी कम है, मतलब 150 के आसपास ही है। पर्पल कलर का लिया है, सो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे इसी टाइप के सिंपल सोफर टॉप बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें आप किसी भी हाई वेस्ट पैंट या हाई वेस्ट जींस के अंदर इनिंग करके पहन सकती हैं। सो ये भी क्वालिटी वगैरह देखी जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक इसी फैब्रिक में एक मैंने ये ऑरेंज लिया है जो कि आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेट है जो कि इस टाइप से है, बट पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब मैंने इसे पहना ब्लैक पैंट के साथ तभी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे काफी मतलब अच्छा लगा कि इतना प्यारा और इतना मतलब फिटिंग भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, हर एज वालों के साथ हर बॉडी टाइप पर भी ये आ जाएंगे। सो ये भी काफी मतलब बेस्ट है। एंड गाइस, नेक्स्ट मैंने एक ये हाई नेक लिया है जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप का है। फैब्रिक और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैजुअल के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट है। मैंने यही देख के लिया था कि इसका कलर एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसका फैब्रिक काफी थिक फैब्रिक है, आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, थिक फैब्रिक है, क्वालिटी की फुल्ली गारंटी है। और फैब्रिक भी मतलब ऐसा नहीं है कि धोने के बाद खराब हो जाते हैं। मैं मीशो के काफी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मुझे मीशो के ही काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो कम अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं और इनकी क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी रहती है। एंड गाइस, ये मैंने एक ये रानी कलर का लिया है, डार्क पिंक, एक इसमें एक ये कलर है, एक ये डार्क पिंक है। मुझे ये दोनों ही कलर बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरी वार्डरोब में ये दोनों ही कलर नहीं थे। मीन्स पर्पल कलर की पैंट तो मेरे पास थी बट पर्पल कलर का टॉप मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने इसे लिया है। और ये भी काफी मतलब ऑसम और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, सभी के बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। एक मैंने जींस वगैरह के ऊपर पहनने के लिए एक ही शर्ट लिया है, तो आप देख सकते हैं गाइस, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर तो सभी का फेवरेट होता है, आई थिंक ब्लैक कलर मेरा भी बहुत ही फेवरेट है और मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मेरे पास इस टाइप का सिंपल नहीं था या अगर होगा भी तो मेरी वार्डरोब के अंदर पड़ा होगा जो मुझे मिल नहीं रहा था। सो इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो गाइस, मैं वीडियो जल्दी इसलिए बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वीडियो को देखते देखते बोर हो जाए,
मैं यहाँ पर आपको कपड़े दिखा रही हूँ, मोस्टली गर्ल्स को कपड़े देखना पसंद है, वो यही चाहती हैं कि जल्दी जल्दी कपड़े दिखाएं कि नेक्स्ट क्या है। मोस्टली जब भी मैं कपड़ों के वीडियो में खुद भी देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि कोई भी अगर कपड़े दिखा रही हैं तो कम बोले, जल्दी जल्दी कपड़े दिखाती रहें, तो इसीलिए मैं भी कम बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े दिखा रही हूँ। सो गाइस, सभी टॉप्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। एक मैंने एक ही ग्रीन कलर का लिया है, सो इसका भी कलर फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। सो जीन्स वगैरह के ऊपर, पैंट्स वगैरह के ऊपर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और मैं हर वीडियो में कहती हूँ, गर्ल्स से पूछती हूँ कि मुझे आप बताइए कि मैं इंस्टाग्राम पर किस टाइम लाइव हूँ, बट कोई भी गर्ल्स नहीं बताती है, मतलब कोई भी गर्ल्स नहीं चाहती है कि अब मैं गिव अवे रखूँ, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं इंस्टाग्राम पर आप सब आएं और लाइव ज्वाइन करें। ज़्यादा देर का नहीं है यार, 5 मिनट 10 मिनट ही आती हूँ मैं भी, ज़्यादा देर नहीं आती हूँ, तो उसी बीच हम सब बातें करें और साथ ही साथ में वहीं पर ही गिव अवे भी अनाउंस करूँ, जिससे आप लोगों की चॉइस के बारे में भी मुझे पता चल जाए, मुझे ये पता रहे कि कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, किसको क्या पसंद है। ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।